फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी कर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लखन सिंगला ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने फरीदाबाद की जनता को लूटने का काम किया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमने फरीदाबाद को चार जोनों में बांटा है। इन चारों जोनों में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इन सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस जनता को जागरूक करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस में हुए परिवर्तन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बड़ा परिवर्तन लाएगी। चार जोन बनाए हमने, चार जोन के में हम ये कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। एक हमने शुरुआत करी है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सीएलपी लीडर बनने और चुनाव कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद और बहन शैलजा जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में ऊर्जा आई है। उनके अंदर जो एक संचार ऊर्जा का ऐसा बना है कि दोबारा से प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है। देखो, फैसला हाईकमान ने लेना है। हर आदमी चाहता है विधायक बनना, हर आदमी चाहता है टिकट की दौड़ में हर आदमी है। मिलेगी एक व्यक्ति को, जिसको भी मिलेगी, हमारे जो भी लोग यहाँ टिकट मांग रहे हैं, मेरे भाई मांग रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिसको टिकट मिलेगी पार्टी उसके साथ रहेगी और हम सारे कार्यकर्ता उसके साथ लगेंगे और जो पार्टी फैसला लेगी वो उचित लेगी। और पार्टी सर्वे कर रही है, जो उनको अच्छा उम्मीदवार लगेगा उसको वो टिकट बता जाएगा। पार्टी की नीति के बारे में भी बताया जाएगा। 89 विधानसभा के अंदर जो आप देख रहे हैं बाजार के अंदर से आए हैं, भूकंप जैसे हालात हो रहे हैं, पॉल्यूशन मंत्री पर्यावरण मंत्री है, हमारा देश जो कि फरीदाबाद हमारा वर्ल्ड के अंदर प्रदूषित शहर सेकंड नंबर पे आया, हमारे दुर्भाग्य की बात है। आज सारा बाजार खोद के गिर दी, सारी कॉलोनियाँ खोद के गिर दी, ऐसे समझो कि जैसे कोई भूचाल या भूकंप आ जाता हो। लोग सीवर पानी आता नहीं, आता तो सीवर का पी रहे। तो फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके की विनाश लीला रची जा रही है यहाँ के उद्योग मंत्री द्वारा, हम उसका जमकर विरोध करेंगे। और शहर का व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, मध्यवर्ती परिवार सब जो कि हमारे साथ है, हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी।